डराने लगा है मंकी पॉक्स। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? WHO ने भी दिए संकेत, मंकी पॉक्स से सावधान। मंकी पॉक्स डरा रहा है। पाकिस्तान से आए इस वायरस ने हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ा दी है और अब तो WHO ने भी हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है और कोरोना में मचे हाहाकार को देखकर डर बढ़ रहा है। मंकी पॉक्स कोरोना जितना खतरनाक भले ही ना हो, लेकिन कोरोना की तरह ही फैलने वाली बीमारी है। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स भी एक तरह का वायरस है और इसके लक्षण भी कुछ कुछ कोरोना की ही तरह है, लेकिन इस बार जनता के साथ साथ सरकार भी सावधान है। केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं और एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अफ्रीका में एमपॉक्स के मामले और मौतें बढ़ रही हैं। जुलाई से कांगो, बुरुंडी, केन्या और युगांडा में मंकी पॉक्स का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 अगस्त को कांगो में मंकी पॉक्स के 1000 केस सामने आए थे और अफ्रीका में मंकी पॉक्स ने कोरोना की तरह अपने पैर पसार लिए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारत ने मंकी पॉक्स को लेकर क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। भारत कितना तैयार है ये भी आप जान लीजिए। लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। राज्य सरकारों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के आदेश दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। केरल में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी हवाई अड्डों पर निगरानी दल तैनात किए गए हैं। यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और अगर किसी यात्री में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका इलाज भी किया जा रहा है। पूरा देश अलर्ट है। जमीनी हकीकत क्या है और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। पूरे देश और प्रदेश भर में मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं ग्वालियर में भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का मुरार जिला अस्पताल है, जहां पर 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक ग्वालियर में कोई मंकी पॉक्स का मरीज सामने नहीं आया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा है कि बचाव और इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है और बुखार के साथ साथ अगर उसके शरीर पर रेशों या फिर दाग जैसे अगर कोई उभर कर सामने आते हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। इसको फैलने के लिए कटी फटी चमड़ी, कटी फटी म्यूकस मेम्ब्रेन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे अपने छींक खांसी जुकाम से एक दूसरे को फैलता है। ये वायरस जो है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन से लेकर 21 दिन तक का होता है। ये जैसे ही उसको जब रेसेज आते हैं बुखार के पहले, बुखार के बाद रेसेज आते हैं, रेसेज के 2 दिन पहले ये फैलाना चालू कर सकता है और रेसेज जब खत्म होते हैं उस पर पपड़ी पड़ जाती है, यानी उसको सूख जाते हैं रेसेज, उस तब तक फैलाता है। तो लगभग ये 20 दिन का जो ना संक्रमण काल रहता है। मंकी पॉक्स शायद कोरोना जितना खतरनाक भले ही ना बताया जा रहा हो, लेकिन आने वाले खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मंकी पॉक्स से बचकर रहने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।